आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। सोमवार को शाहगंज क्षेत्र राजकीय इंटर कॉलेज में सीएम अभ्युदय क्लासेस में नए अभ्यर्थियों को संयुक्त शिक्षा निदेशक मुकेश अग्रवाल द्वारा मार्गदर्शन दिया गया। कॉलेज में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लासेस को कराया जा रहा है। शाहगंज क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज में मुख्यमंत्री अभ्युदय क्लासेस में नए अभ्यर्थियों को संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा अभ्यर्थियों को मार्गदर्शित किया गया, जिसमें संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा बताया गया कि प्रदेश सरकार द्वारा अभ्युदय योजना के तहत जीआईसी कॉलेज में जेईई बैंक सीडीओ और एनडीए जैसी तैयारियों को कराया जा रहा है। अभ्यर्थियों द्वारा क्लासेस में बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है। क्लासेस के दौरान संयुक्त शिक्षा निदेशक मुकेश अग्रवाल ने दूर दराज से आए बच्चों का हौसला बढ़ाया। योजना में अभी एक दोबारा से ऑनलाइन टेस्ट कराया गया था। जो बच्चे अपीयर नहीं हो पाए थे, अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाए थे, उनको एक अवसर दिया गया और इसमें बड़ी संख्या में बच्चे अपीयर हुए और आगरा मंडल के लिए लगभग 750 बच्चों का चयन हुआ है केवल जीआईसी सेंटर के लिए, जो नीट जेई एनडीए इत्यादि कोर्सेज की तैयारी करने वाले हैं। जीआईसी प्रिंसिपल साहब ने अपनी टीम के माध्यम से सबको टेलीफोन के द्वारा सूचना दी और आज लगभग 125 बच्चे उसमें से उपस्थित हुए। उन सबकी ब्रीफिंग कर दी गई है, उन्हें कोचिंग के संबंध में विस्तार से बता दिया गया है और कल से वो बच्चे इस कोचिंग में शामिल होंगे। सीएम अभ्युदय योजना में अभ्यर्थियों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है। ताज नगरी के जीआईसी कॉलेज में सोमवार को अभ्युदय क्लासेस का दूसरा बैच शुरू कर दिया गया, जिससे विभिन्न जगहों से अभ्यर्थी आ रहे हैं। कॉलेज में उपस्थित अध्यापकों का कहना है कि अभ्यर्थियों में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। संयुक्त शिक्षा निदेशक ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस को यूपीएससी से चयनित नवीन आईएएस आईपीएस ऑफिसर अधिकारियों द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा। सी न्यूज के लिए जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।